करते हैं टिड्डी दलों की। जी हां, छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रहे टिड्डी दलों की संख्या में कमी आई है। दरअसल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद टिड्डी दल ने छत्तीसगढ़ में भी अब आतंक मचा रखा था, लेकिन दो तीन दिन में टिड्डी दलों की संख्या में कमी आई है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों को टिड्डियों को भगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और जिन इलाकों में आया है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का और सब्जी उत्पादक इलाका है, तो यूं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए थे, अलर्ट जारी किए थे, सारा प्रशासन वहां लगा हुआ है। और कल जैसे ही आने की सूचना मिली, पूरी रात कृषि विभाग और राजस्व विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी वहां जागते रहे और स्प्रेयर की जो तैयारी थी, मेलाथियन या अन्य दवाइयों का, उनका स्प्रेयर किए हैं। और अभी किसानों को सलाह भी दे रहे हैं कि जहां टिड्डी का आगमन हुआ और जहां स्प्रेयर से उनको मारा गया है, कहीं थोड़ा बहुत भी है तो उसमें गहरी जुताई किया जाए, और किसानों ने सारा काम शुरू कर दिया है। वहीं कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के 3 गांव में टिड्डी दल पहुंचने की घटना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया ताकि टिड्डी दल के आतंक से फसलों को बचाया जा सके। वैसे इसका लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, काफ़ी संख्या में टिड्डी यहाँ ख़त्म हुए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, उनको सभी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बॉर्डर काफ़ी दूर है, इसलिए हमको भगा पाना उसको संभव नहीं है, तो हमको एक ही उपाय है कि उस सारे टिड्डी दल को ख़त्म करें। इस गांव में कोई फसल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की फसल क्षति अभी तक नहीं हुई है। और अधिकतर टिड्डी सब वन विभाग के जो साल के बड़े बड़े वृक्ष हैं उसी के आसपास ही हैं।